तो भाई इस वीडियो में आपको दिखने वाला कैसे मैं तैयार होकर बाहर निकलता हूँ, कैसे मैं सबवे के अंदर जाता हूँ, कैसे मैं यूनिवर्सिटी तक पहुंचता हूँ और क्या क्या मैं अपने काम करता हूँ उधर पहुंच के। उसके बाद आगे बैठ के कुछ देर मजे करे, फिर हाइट की वजह से मेट्रो में सीट लग गया, फिर अंडा गिरा वो मिला घर पे आके, फिर मैं थोड़ा नहाया, फिर मैं नीचे जाके मैंने कपड़े धोने स्टार्ट करे। गुड मॉर्निंग गाइस, मेरी वीडियो आ गई नहीं, लोगों की वीडियो दिन में चालू होती है भाई, मेरी रात में चालू हो रही। भाई मेरा ये रूम है, खिड़की के सामने वो लाइट दिख रही है ब्लू कलर की, वो भाई क्रिसमस की लाइट लग गया, क्योंकि भाई सामने दिख रहा है वो चर्च है भाई, एक नंबर चर्च है। इतना अच्छा लगता है मुझे, मैं सो नहीं जाता, सोते मुझे चर्च दिखता है। अब भाई अपना मंदिर तो है नहीं, तो चर्च से काम चला लेंगे। अरे भाई इसको देख के ना फिर सो जाता हूँ, मुझे इतनी अच्छी नींद आती है ना। अगर दोस्तों तुम्हारे भी आसपास कोई चर्च है, भगवान का मंदिर है ना, या मस्जिद कुछ भी है भाई, याद करा करो, फिर सोया करो, इतनी मस्त नींद आएगी ना, सुबह आप पॉजिटिविटी के साथ उठोगे। चलो उठ जाओ, अब सुबह होगी। और अब यहाँ से भाई हम फटाफट कपड़े पहन के कॉलेज के लिए निकल लेंगे। तो मेरे को वैन चो समझ नहीं आता यार, अभी ऐसे हुआ जैसे अंग्रेजी से बात करूंगा मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। हाय हाउ आर यू, क्या कर रहे हो वेंचो, ये क्या हो जाता है भाई आवाज को? बाकी भाई ये गेट ना इतना हैवी है, तो देख रहे हो स्पेशल बंदा खड़ा है इस गेट को खोलने के लिए। ये गेट खोलने के लिए मैंने जिम ज्वाइन करी है स्पेशल। यानी उसके बाद मैं सीढ़ियों से आ गया, आगे लड़की जा रही है भाई, ये रास्ता ही नहीं दे रही। मेरे को लग रहा था भाई मेट्रो ना निकल जाए, पर भाई फिर एंड में आके मैं इसमें बैठ गया। बाकी भाई मैं ऐसे सोते हुए जाता हूँ पूरे रास्ते, फिर यहाँ से निकल के चलो ऊपर बाहर रोड पे निकलते। बाकी ये देखो भाई फीमेल ड्राइवर है, इतनी अच्छी बस चलाती है, मुझे कोई फर्क लगता है यार फीमेल और मेल ड्राइवर में। अपने उधर पैन जो बंदे चलाते यार ई ट्रक के चलाते हैं तुमने, वो डीटीसी वाले खेचू कैच डेली कितने उड़ाते बंदे। वो आसमान देख रहे हो बाकी भाई, कितना कैडा आसमान है ये देखो। अपने उधर मैंने कोरोना के टाइम पे देखा था ऐसा आसमान। बाकी भाई ठंड हो रही है, मेरे को ठंड लग रही है अभी। ये भाई मैं कॉलेज वाली रोड पे हूँ, अंदर मैंने एंट्री कर ली, गेट खोल दिया भाई। आगे जाके मैं अपना कार्ड इस पर टैप करूंगा, उसको मेरे को पता लग जाएगा मेरी एंट्रेंस हो गई है। ऐसे भाई हाजिरी लग जाती है, फिर मैंने लिफ्ट का बटन दबा दिया। आज मैं थोड़ी जल्दी आ गया इसलिए खाली लिफ्ट होना भाई बड़ी 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 होती है। ये देख लगा रही लोकर से स्टूडेंट वगैरह जो भी क्लास के लिए आते हैं वो इनमें अपना सामान रख सकते। उसके बाद मैं सीढ़ियों से एक फ्लोर नीचे, फिर मैंने दोबारा कार्ड लगा दिया क्योंकि भाई बहुत हैवी सिक्योरिटी है। ये भाई मैंने बैग रख दिया लेफ्ट में, सामने वो गोल गोल दिख रहा है काला सा, ये भाई चार्जिंग का, यहाँ पे तुम चार्जिंग वार्जिंग कर लो अपने कुछ। अब तुम्हारा भाई लैपटॉप खोल के अपना काम चालू करे। ये मैंने थोड़ा लैपटॉप पे काम कर, फिर मैंने थोड़ी किताबों में मत्था मारा, चेक करा, पढ़ाई करी। आयो भाई नीचे प्रिंट आउट निकलवाने। बाकी भाई मेरे को याद है मेरे को ना प्रिंट आउट निकलवाया, तो फटाफट मैं जा रहा हूँ नीचे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे प्रिंट आउट निकलता है। ये मैंने देख रहे हो इधर अपलोड कर दिया ऑनलाइन साइट होती है, और इस ऑनलाइन साइट पे तुम्हें ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है आगे पीछे चाहिए या फिर कोई कलर चाहिए ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए। उसके बाद आपने इस कार्ड लगा लेते, कार्ड लगाते हैं आपके प्रिंट आउट निकलने लग जाएंगे। देख रहे भाई कितना फास्ट है, उधर था राजू प्रिंटर वाला, उधर वेंचो बंदे को बोलते थे बंदा भाई किताब रखवाता था, किताब रख के जा भाई और शाम को आइयो जब तेरी प्रिंट आउट हो जाएगा, अभी टाइम नहीं मेरे पास, अभी मेरा चाय पीने का टाइम है, भाग जाए आज नहीं तेरे चाटे पे चाटे लगे, ऐसे बोलते थे भाई बंदे उधर। पेंशन बाथरूम में आता भाई घुसते दीवार में टक्कर मार, इतनी गंदी सड़ांत मार रही है, पता नहीं कौन बम फोड़ गया इधर। चलो यार फिर यहाँ मैं 15-20 मिनट बैठ गया बढ़िया चिल के लिए, अब यहाँ से मैं निकलता हूँ घर की तरफ चलते हैं। बाकी भाई जो पार्क देख रहे हो अभी तुम, ये वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क है और इसके अंदर तुम किसी भी दिन आ जाओ तब भी इतनी भीड़ होती है। और अपने भाई वहाँ बोनटा पार्क जैसा नहीं है, आगे लींड वींड पड़े हुए इधर में है, जो छक्के आ रहे तुमसे पैसे मांगे ताली बजा के। इधर भाई बढ़िया सीन है, ऊपर मेरे ये व्यू है आसमान, पेड़ लेफ्ट में ये है। यहाँ पे भाई लेट के मैंने चिल करा 10-15 मिनट, बढ़िया आराम करा, कमर सीधी करी उसकी। देखो हाथ कैसा लग रहा, पोलियो मरीज बैंक चो, कैमरे का एंगल से कितना फर्क पड़ता है देखो। मैं तेरा भाई सामान चलाता चूटी हो, और यहाँ देखो मैं तो वेजिटेरियन डाइट का हूँ लोडू। ये भाई तुम्हें साइकिल दिख रही है, ये साइकिल है, यहाँ पे तुम कार्ड लगाओ अपने आप निकल जाएगी, इसको एक दिन के लिए भाड़े पे फुल चार्ज होते, तुम्हारी इलेक्ट्रिक साइकिल है, तुम इससे पूरे न्यूयॉर्क सिटी में घूम सकते हो। भाई मैं घर जा रहा हूँ सबवे की तरफ। ये भाई फिर आगे नरक का रास्ता हमारा, क्या पाइप लगा रखे हैं, चावड़ी बाजार में नहीं होते इतने पाइप, तुम कभी सदर बाजार गए होंगे गलियों में उधर होते इतने तार दे रहे भाई। भाई आज तो यार वीडियो चक्कर होना, मेरी ट्रेन निकल गया है। फिर भाई 20 मिनट वेट करने के बाद मेरी फाइनली ट्रेन आ गई, मैं ट्रेन के अंदर आगे बैठ गया, किस्मत अच्छी थी जो सीट खाली मिली मेरे। बाकी भाई मेरी दरख्वास्त है कि यार थोड़ी हाइट ऊंची होनी चाहिए इनकी, देखो इतनी नीचे मेरा सिर हर बार लगता है जब भी मैं एंट्री करता हूँ घुसता हूँ। इवन तो भाई स्टेशन है ना इसकी बैठ देख रहे हो थोड़ी सी बची, अगर मैं थोड़ा सा तेज चल के उछल गया ना तो भाई सिर में फूट जाना ऊपर, इधर मैं बच सही कसम से बता रहा हूँ। बाकी भाई ये लाइन देख रहे हो इधर, ये लाइन से खड़े कितना गैप मैटर करके खड़े हुए लोग, इधर टिकट खरीद रहे, कोई चिपक नहीं रखा एकदम। बाकी भाई ये बिल्डिंग इधर बन रही है पीछे वाली, अभी देखो बंदा ऐसे रुका रहेगा, ये चढ़ाएगा नहीं गाड़ी, मैं इतनी पीछे था बंदे ने पहली ब्रेक मारे, दिल्ली होता है भैंचो गाड़ी हो रहा मार मार के दिमाग खराब कर देते बंदे। इधर भाई मैं बस रोड क्रॉस करने के लिए खड़ा था, पुलिस वाले ने गाड़ियां रुकवा दी, और ये खड़ा दिखे पैर दिखे आपको मेरे को जाने के लिए बोला, और ये देखो पीछे खड़ा है, मतलब बंदे ने चलती गाड़ी रुकवा दी, इधर देख रहे हो ये सारी रुकी हुई थी। फाइनली हम घर आ गए, और भाई मैं थका हुआ जैसे खाना खाने के लिए बैठा, मेरे को दिखा कि अंडा फूटा हुआ गिरा नीचे, और भाई सारा मूड खराब हो गया। भैंचो क्या हो गया, मैं ये साफ करने पहले खाऊंगा, सफाई करने में उसको 10-15 मिनट लग जाएगी। इधर ये भाई गेट निकला पड़ा ऊपर से नक्का, और भाई रात को तो नीचे का नक्का भी निकल गया था, मैं गेट पूरा उठा के इसको रखना पड़ता था जचाने के लिए, और ऐसे ही जचा के जाता था भाई, भगवान भरोसे कोई कमरे में चोरी ना कर दे। अब भाई इसमें आके मैं अब नहाने स्टार्ट कर देंगे। ये देख लो भाई गेट कल है, तुम्हें देख के पता लग जाएगा क्या हालत हो रही।
इधर भी मैं पानी का वेट कर रहा था, मुझे पता नहीं था भाई एकदम से इतना गर्म पानी आएगा, सीधा भाई घोटियों पर अटैक हुआ और मैं चमक गया इधर। चलो कपड़े धोते फटाफट। ये भाई मैंने अपने पुराने कपड़े उठा लिए जो मैं ले धोने के लिए नीचे। ये तुम्हारा मैंने सर्फ डाल दिया जो मैं जुराब के अंदर पैक करके लाया। लगा दिए कपड़े, अबे मशीन पानी चालू कर दिया, आधे घंटे में धो देगी। दूंगा फिर इसमें जो मशीन है इसमें मैं सुखा दूंगा। और लंबी राइड का आज तक भाई मैंने अपनी जिंदगी में कोई नुकसान नहीं देखा, कभी कोई दिक्कत नहीं लंबी राइड में। इसे बोलते नजर। चाह गया भाई तुम मेरी हाइट देख के मत डरो यार, मैं लंबा हूँ ठीक है, ये घर वर छोटे मेरे को पड़ती है, मेरे को बहुत दिक्कत होती है। अब मेरे को इमोशनल फर्ट मत करो, मेरे को हर जगह हाँ भाई हाइट से दिक्कत होती है, घर के अंदर भी दिक्कत होती है, मेट्रो में भी दिक्कत होती है, स्टेशन में भी दिक्कत होती है। तो दोस्तों वीडियो खत्म होती है, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में जितनी हो सकती है उतनी शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है और आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मैं आपका अपना प्रोफेसर AK सिडवुल्फ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।